जय भीम साथियों, मैं हूँ सृष्टि और आप देख रहे हैं दलित टाइम्स। तुगलकाबाद के तुगलका गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहां पर 15 तारीख को जो है हिंसा भड़काने की कोशिश करी गई है। दो गुटों के बीच में यहां पर जो है लड़ाई हुई, किस बात को लेकर कि बाबा साहब की यहां पर गांव में ये एक प्रतिमा है झंडा फहराने को लेकर। गांव के गुजरों ने जाटव समाज के लोगों को वहाँ पर झंडा फहराने से मना करा, जिसमें जो है काफ़ी लोग घायल हो चुके हैं। एक महिला हमारे साथ मौजूद है, क्या नाम है आपका? कमलेश। क्या हुआ आपके साथ, विस्तार से बताइए। हम बाबा साहब की मूर्ति पर गए थे, वहाँ पर बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई, हम झंडा लहराने गए थे वहाँ पर। वहाँ पर हमने झंडा आके लगाने लगे तो राजवीर के दोनों लड़के आ गए थे वहाँ पर। राजवीर कौन है? गुजर। तो उसके दोनों लड़के आ गए, कह रहे कि यहाँ क्या कर रहे हो? क्या हम कह रहे कि हम झंडा लगा रहे हैं। कह रहे यहाँ नहीं लगाओगे झंडा वंडा कोई, तो माए कैसे आ जाए, किसकी परमिशन ली तुमने यहाँ आने के लिए? हमसे उससे बहसबाज हमारा झंडा उखाड़ कर फेंक दिया, हमारे साथ में झंडा पकड़ कर नहीं खड़ा, एक साइड में कह रहा कि यहाँ झंडा नहीं लगाओगे तुम, खड्डा नहीं खोदोगे यहाँ। हम कह रहे कि हम यहाँ झंडा लहराएंगे, झंडा लगाएंगे यहाँ पर। तो उसने हमारे बहसबाजी करने लगा हमारे साथ में, फिर उसने मार पिटाई चालू कर दी। उसने उसके लड़के ने, राजवीर के ने, फिर और लड़के भी साथ में थे वहाँ पे पुलिस वाले। कितने लोग थे टोटल जिन्होंने मार पिटाई करी आप? 3-4 लोग थे वहाँ पे और बाद पीछे खड़े थे वो। पुलिस को जब इसकी सूचना दी गई तो पुलिस का क्या रवैया रहा, क्या क्रिया? पुलिस वाले ने तो कुछ नहीं करा, पुलिस वाले तो खड़े होकर देख रहे थे। देखिए पुलिस का जो रवैया है, दिल्ली पुलिस का स्पेशली, हर जगह देखने को मिलता, बहुत ही निराशाजनक जिसे कहते हैं। चाहे हम दिल्ली कैंट ले लें, त्रिलोकपुरी केस ले लें, जंतर मंतर पर जो है लोग हिंसा भड़काने की कोशिश करते हैं वो ले लें, और एक केस अब उस लिस्ट में ये जुड़ चुका है। यहाँ पर भी पुलिस ने कुछ कार्रवाई नहीं करी है। तो अभी पुलिस ने FIR दर्ज करी आप? नहीं करी अभी। क्या कह रहे हैं? होगी। गिरफ्तार नहीं हुई अभी? गिरफ्तार नहीं हुए, उन्हें गिरफ्तार करो। एक और व्यक्ति यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है जो उस 15 अगस्त के कार्यक्रम में जो हिंसा हुई है यहाँ पर उसमें मौजूद थे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि कुमार है और मैं तुगलकाबाद के इसी जाटा मोहल्ले में रहता हूँ। क्या हुआ था उस दिन 15 अगस्त को आपके साथ? 15 अगस्त को जैसे कि आपको पता चला कि हिंसा हुई है यहाँ पर, हम इसी स्थान पर जहाँ पर हम बैठे हैं वहीं से हम चलकर, बच्चे लेडीज हैं और जेंट्स, हम कोई तकरीबन 60-70 होंगे सब मिला के, तो हम उस स्थान पे पहुँचे जहाँ बाबा साहब की वर्षों से स्टैचू लगी हुई है। और हम वहाँ पे जो है तिरंगा झंडा, आप जैसे कि 75वां स्वतंत्रता दिवस था, तिरंगा झंडा लेके गए, जय भीम जय भारत के नारे लगाते हुए गए और बड़ी खुशी का माहौल था। हमें भी खुशी थी कि और बाबा साहब जहाँ पे हों और वहाँ पे खुशी दुगनी हो जाती है। तो वहाँ पे हम जैसे झंडा लगाने के लिए गड्ढा खोदने लगे, वैसे वो तुरंत लोग आ गए कि भाई यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, और वही उल्टी सीधी बातें करने लगे, तुम्हारी ज़मीन नहीं है, ये जो है चमार की यहाँ पे स्टैचू लगाई हुई है, इसे गिरा देंगे और तुम्हें मारेंगे, यहाँ से चले जाओ। हमने कहा भाई झंडा फहराने आए, हमें तुमसे क्या मतलब है? फिर उसके बाद जैसे ही उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया तो मैंने जो है 100 नंबर पर कॉल कर दिया, तो 2 ही मिनट के दौरान में पुलिस आ जाती है। उसके बाद जो है पुलिस हमारे जैसे ही बयान लिख रही थी उतने में उन्होंने हम पे अटैक कर दिया, और पुलिस वालों के 4 पुलिस वालों के सामने हमको पीटा गया। कितने लोग थे जिन्होंने अटैक करा आपको? कम से कम वो पहले तो 3-4 लोग थे और फिर 5-7 लोग और आगे उनकी तरफ से ला के, उनकी मदर शकुंतला और जितेंद्र उर्फ जित्ते और दीपक, ये इन्होंने मुझे मारा और पीछे से पत्थर मुझे मारा, हाथ पकड़ के जो है। एक ही परिवार के लोग हैं, एक ही परिवार का कब्जा है, कोई हमारी कोई ऐसी जाति दुश्मनी गुजर लोगों से नहीं है, अच्छे भी लोग हैं, लेकिन ये एक ही परिवार ने ज़मीन को हड़पा हुआ है जो है, और ये वो ज़मीन हमारी, हमारा झोड़ता कमानकी के नाम से, हमारे बड़े बुजुर्ग वहाँ पे जो है वो किया करते थे जो अपना व्यवसाय वगैरह जो है, और वो इन्होंने जैसे जैसे वो बढ़ता गया गड्ढा, ये लोग घेरते गए उसे। और मैं इस बारे में कहना चाहता हूँ भाई, हमारे लोग तो सारे साथ हैं, काफ़ी संगठन आए हैं, भीम आर्मी के लोग आए हैं, बसपा के लोग आए हैं, और जो है काफ़ी सारे यहाँ पे लोग आए हैं, रॉयल जाटव समाज के जो एक वो है संगठन है ना, सब लोग आए हैं, लेकिन
समर्थन सारा मिल रहा है, लेकिन अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, और गिरफ्तारी जल्द से जल्द नहीं हुई तो ये फिर जो है बदया आंदोलन में हम इसको इस चीज़ को ले जाएंगे जो अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो। इलाज आपका कहाँ पर चल रहा है? हाँ, इलाज तो देखो मैं जैसे जैसे कि पता है पुलिस सरकारी हॉस्पिटल ले जाती है, हमको हॉस्पिटल ले जाएगा, सफदरजंग में दवाइयाँ लिख के दी गई और हमें जो स्टिचिंग कर दी, जो टाँके वगैरह आए थे जो है सर में, उसके बाद तो मैं तो घर से ही दवाइयाँ ले रहा हूँ जो अपने प्राइवेट पैसे से ही, कोई मुझे ऐसी कहीं से किसी की तरफ से कोई सहायता नहीं मिली अभी तक। यहाँ के जो MLA हैं उनका क्या रहा जब उनको पता चला गांव में ये सब हो रहा है? यहाँ के जो लोकल MLA हैं उनका नाम सही राम है, आम आदमी पार्टी से हैं, गुर्जर समाज से आते हैं, और उनका ये कहना था जब हमारे लोगों ने कुछ लोगों ने कहा कि भाई वहाँ पे इस तरह की वारदात हो गई है आप देखो वहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि उनका आपसी मामला है, उसमें हमें क्या लेना देना, उनके ये वर्ड थे। उनका कुछ योगदान रहा या मदद रही आपके इलाज में? नहीं, कुछ भी किसी भी प्रकार की मदद नहीं रही। जैसा कि आप जानते हैं कि हम दलित कम्युनिटी से आते हैं, हम हिंदू में भी नहीं गिने जाते, तो दलित कम्युनिटी में आते हैं तो उनके उनके जो मंत्री हैं राजेंद्र पाल गौतम, उन वो आए क्योंकि वो दलित हैं तो दलितों का दर्द समझते हैं, तो वो यहाँ पे आए शुद्ध ले के गए हमारी जो है, उन्होंने बोला भी है कि हम जो है SDM DM से बात करेंगे इस बारे में जो है, इस चीज़ के बारे में जो है, तो यही बात अभी तक का है वाक्य। अब इस घटना को आज 5वां-6वां दिन है मेरे ख्याल से, तो पुलिस अब तक क्या कार्रवाई कर चुकी है, क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस अभी का ढीला ढाला रवैया, पुलिस ये कह रही है कि हम उन्हें ढूंढ रहे हैं और वो यहाँ से गायब हैं, वो कहीं नहीं मिल रहे हैं, तो आज नहीं तो वो कल हाथ आ जाएंगे, हमारी कल DSP से बात हुई है। जिन्होंने आपके ऊपर वार करा वो गायब है अभी यहाँ से गांव? जी हाँ, बिल्कुल फरार हैं, उनका घर पे ताला लगा हुआ है, और हमारी तो यही मांग है जल्दी जल्दी वो गिरफ्तार हों, नहीं तो हम फिर बड़े आंदोलन की तरफ रुख करेंगे अपना, हम चुप बैठने वाले नहीं हैं, बहुत हो चुका तेजार जो है। जैसा कि आपने देखा यहाँ पर जाटव समाज के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि अब जो है वो अत्याचार नहीं सहेंगे, अगर उनको न्याय नहीं मिलता है तो वो अब उनका अगला कदम ये होगा कि वो एक बड़ा आंदोलन करेंगे न्याय पाने के लिए। अभी जो है इन्होंने बताया कि जिन लोगों ने इनके ऊपर पथराव किया, इनके साथ हिंसा करी, वो लोग गायब हैं और पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। सृष्टि के साथ आप देख रहे हैं दलित टाइम्स।